Hi, my name is Tejpal Patel and I follow Ricky Chadda on YouTube. दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर से अक्टूबर की 17 तारीख को सूर्य देव, जिन्हें हम एक नेचुरल आत्मकारक मानते हैं, वो कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये लगभग दोपहर के 1-1.5 बजे के बीच होने जा रहा है और इस राशि में, तुला राशि में वो 16 नवंबर तक रहेंगे। हमें समझना होगा कि सूर्य क्या है। सूर्य आपका आत्मबल है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, सूर्य आपका अहम है, अहंकार है, ईगो है। सूर्य जहां पर, जिस घर में बैठता है उसकी बढ़ोतरी करेगा, ब्राइट प्लैनेट है। तो तुला राशि, जो कि एक शुक्र प्रधान राशि है, तो शुक्र आपको क्या क्या दिलाता है, किस बातों को वो दर्शाता है, हम कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री है, आर्टिस्टिक एबिलिटी है, शोमैनशिप है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, उन सब जगहों पे शुक्र का प्रभाव रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि लग्जरी आइटम है या फिर उसमें शोमैनशिप है। इन जगहों पे मैं इसकी बढ़ोतरी देख रहा हूं, तो वहां पर थोड़ा सा बढ़ोतरी तो डेफिनेटली होगी। लेकिन आपके अपने जीवन में थोड़ा सा आपके आत्मबल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है आपका। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश करके आप भरोसा कीजिए अपने आप पे, अपने हुनर पे, अपने टैलेंट पे, अपनी क्षमता पे किसी भी टाइप का शक मत कीजिए। आप में वो सब कुछ काबिलियत है जो एक इंसान में होनी चाहिए। आपको किसी से ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला मुझे किस तरह से देखता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जब गिरता है तो आप अपने आप पे ही शक करना शुरू कर देते हो। हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आप लोग के सामने सारे लग्न के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प भी डाल रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए, आप अपने लग्न के हिसाब से उसे आप देख सकते हैं। पूरे वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक और गुजारिश करूँगा आपसे मैं कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं और हम आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो राशि है मेष राशि, उसके बारे में विचार करते हैं। मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए ये बता दूं कि आपके 5वें घर के मालिक होकर के 7वें घर में बैठने जा रहे हैं सूर्यदेव। 5वां घर जो हमारा है वो हमारी बुद्धि को दर्शाता है, वो हमारे बच्चों को दर्शाता है, वो एजुकेशन को दर्शाता है, और वो जाकर के बैठ रहे हैं 7वें घर में, जहाँ पर हमारी शादीशुदा जिंदगी, हमारा पार्टनर, हमारा जीवन साथी और हमारा बिजनेस पार्टनर भी दिखता है। ये एक केंद्र भी है और एक त्रिकोण भी है, दोनों, तो एक तरह का राजयोग भी बनाता है। ये आपको एक अच्छा समय दे सकता है, देगा। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और खास करके रिसर्च में कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है वो भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो आपको अपना आत्मबल बना के रखना होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना होगा। वो अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें हो सकती है। वहीं पर आपकी आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, और कोशिश करना कि किसी भी टाइप के कोई आर्ग्यूमेंट या कोई मतभेद किसी के साथ में इस टाइम पे मत करना, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या तो फिर बिजनेस पार्टनर के साथ में।
अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये बता दूं कि आपके चौथे घर के मालिक होकर के सूर्य आपके छठे घर में बैठने हैं। चौथा घर जो है वो हमारे सुख सुविधा का है, हमारे घर का है, माँ का है, हमारी प्रॉपर्टी का है, हमारे वाहनों का है, यानी कि आपके पास गाड़ी वगैरह है तो वो जाकर के छठे घर में बैठे हैं। छठा घर क्या है, ये यहाँ से हम आपको कर्जे देखते हैं, बीमारियाँ देखते हैं, दुश्मन देखते हैं छठे घर से। तो इस पीरियड में वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा चैलेंजिंग वक्त रहेगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, प्रॉपर्टी के मामले में कुछ दिक्कत आ सकती है। और अगर आप थोड़ा अपने आप को मजबूत रखेंगे तो शायद, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, मजबूती भी नहीं है आप में, तो प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा और कॉन्फिडेंस से बात करनी होगी। माँ की सेहत, चौथे घर के मालिक होकर के छठे घर में बैठे हैं तो माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी काबिलियत पे, अपनी हुनर पे आपको भरोसा रखना है। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो फिर आप इस अपने आप को आगे लेके नहीं जा पाओगे। आपको आपके अपने आप पे भरोसा रखना होगा। 30 दिनों की बात है, 16 नवंबर के बाद में स्थितियां बदल जाएंगी आपके लिए। एक डायरेक्शन में चलिए, एक डायरेक्शन में ध्यान रखिए, एक ही चीज को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लंबी यात्रा सातवें घर से देखी जाती है तो अगर फॉरेन ट्रिप अगर आपकी जाने का विचार है और अगर आप वीजा वगैरह के लिए वेट कर रहे थे तो वो आपका काम बन सकता है। इसमें भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव आपके पंचम स्थान में बैठ रहे हैं। तीसरा भाव जो है वो आपकी क्षमता का है, आपके आपका कितना परिश्रम कर सकते हैं आप, आपके कम्युनिकेशन का है, किस तरह जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो, कोई भी हो। वहीं पर आप देखोगे कि पांचवा भाव जो है वो आपके एजुकेशन का है, आपके इंटेलिजेंस का है, आपके बच्चों का है, आपके रोमांस का है। ये पीरियड मिथुन राशि वालों के लिए एक एवरेज पीरियड हम बोल सकते हैं। आप जो भी चीज़ों में आप हाथ डालोगे, चाहे वो नई कोई चीज़ क्यों ना हो, उसमें आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने जा रहा है। कॉन्फिडेंस रखना ही होगा आपको। आपके पास पैसों की आवक भी हो रही है, पैसे आ भी रहे हैं और काफ़ी पैसों को आप, मतलब पैसे की आवक आपके पास आ रही है। यहाँ तक के चांसेस हैं कि आपकी इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। और फिर इस दौरान आप ऐसे लोगों से टकराओगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जो जिंदगी में आगे आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आपको आपके बच्चों से भी थोड़ा बहुत मैं गेन देख रहा हूँ। किस तरह का, कि बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। कुछ दिनों से अगर वो बात नहीं मान रहे थे, बात मानेंगे। अगर वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें दूर हो रही है, तो वहाँ से भी किसी ना किसी टाइप का की अच्छी न्यूज़ मैं देख रहा हूँ आपके पास आने के लिए। आपको क्या चीज़ अवॉइड करने का है, आपको एक ही चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि पाँचवें घर में सूर्यदेव बैठे हैं तो अपने जीव, अगर आप किसी से प्यार करते हैं यानी कि रोमांस में हो अगर आप, तो आप ईगो को लेकर के या पजेसिवनेस मतलब कि जैसे कि वो होता ना कि किसी को आप पकड़ के रखते हो, आपको उस व्यक्ति को थोड़ा छोड़ना होगा। अगर आप उस पर शक या पॉजिटिवनेस दिखाओगे तो वो दिक्कतें आपको आ सकती है वहाँ पे। अगला साइन जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए समझना होगा कि दूसरे भाव के स्वामी होकर के आपके सूर्यदेव जो हैं वो चौथे भाव में बैठ रहे हैं। अब दूसरा घर है आपकी वाणी का, दूसरा घर है आया आपके धन भाव कहते हैं इसे हम, और ये खास करके जो इकट्ठा हुआ हुआ धन है उसके बारे में आपका कुटुंब, आपका परिवार दूसरे घर से देखा जाता है। और चौथा भाव क्या है, वो आपकी माँ का है, सुख सुविधा का है, सुख भाव कहा जाता है। यहाँ से हम आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ से आपकी गाड़ियाँ देखते हैं, तो ये आपको क्या देने जा रहा है देखते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, पैसों की आवक भी हो रही है, आप पैसों को बचा भी रहे हो, बचा करके इस प्रॉपर्टी को, सॉरी इस पैसों को प्रॉपर्टी में डालने का भी सोच सकते हो आप।
आप अपने घर में अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे तो घर में शायद मेरे ख्याल से आपको घर को पेंट करना है, रंग करना है, कुछ करना है, दिवाली भी सर पे है तो आप ये कर सकते हो। आपका जो माँ के साथ में जो संबंध है वो थोड़े से उसमें खिंचाव दिखता है मुझे, क्योंकि सूर्य चौथे घर में नीच के हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा बहुत आपके बता ना कॉन्फिडेंस आत्मबल कम होने के कारण आपको कभी कभी मूड स्विंग जिसको कहते हैं, कभी कभी आपका मूड अच्छा है, कभी मूड आपका बिगड़ सकता है, ऐसी बातें हो सकती है। आप थोड़े से कन्फ्यूजन में भी हो सकते हो, आपको पता नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कुछ तय नहीं कर पाओगे आप। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको दूसरों पे भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना ही है आपको, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी, पहले घर के स्वामी आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि आप खुद आपकी पर्सनैलिटी वो तीसरे भाव में है, जो तीसरे भाव में आपकी आपका परिश्रम दिखता है, आपका कम्युनिकेशन दिखता है, आपके छोटे भाई बहन दिखते हैं, आपके पड़ोसी दिखते हैं। तो उसमें इस वक्त जब ये ट्रांजिट होगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि सूर्य नीच राशि में तीसरे भाव में बैठे होंगे तो एक कहते हैं ना कुछ डिफिकल्टी आपको जिंदगी में आएगी, मतलब आपने जो कुछ सोच के रखा था, आपकी जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा समय लग रहा है और उसकी वजह से आप थोड़े से निराश हो सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आप में जो कॉन्फिडेंस है कुछ करने का, वो भी थोड़ा सा गिरता जा रहा है, क्योंकि आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो उसके कारण आपको अपने आप पे से आप भरोसा आपका उठ रहा है, लेकिन ये उठने मत देना प्लीज। वहीं पर मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये एक पीरियड अच्छा है आपके लिए, अगर नसीब की बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। कोई भी चीज आप करना चाहो आपका नसीब साथ दे रहा है, आप अपना साथ नहीं दे रहे हो वो दिक्कत है। आपके पापा से, आपके डैडी से या जिनको आप पापा के जगह पर रख कर के देखते हो उनसे, या तो फिर आपके किसी गुरुजनों से या कोई गुरु से, मेंटर से, टीचर से, वहाँ से कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आप आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप आगे जिंदगी में तरक्की करोगे। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव के मालिक होकर के दूसरे भाव में बैठ रहे हैं सूर्यदेव, जो नीच राशि में दूसरे भाव में बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है। यहाँ पर सूर्य अगर दूसरे भाव में, मतलब कुटुंब भाव में अगर और धन भाव में अगर डेबिलेटेड है तो यहाँ पर आपके फैमिली में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये एक अच्छा समय नहीं है फाइनेंस को लेकर के, तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा वरना आपको दिक्कत हो सकती है। वहीं पर दूसरे भाव में सूर्य का बैठना ये भी बताता है कि आपको अपनी जबान पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, अदरवाइज आप किसी से कुछ कहोगे और किसी को इस बात का बुरा लग सकता है। आप शायद अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करोगे, ठीक है आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट, निवेश किसी जगह पे मत कीजिएगा, ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। वहीं पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर फॉरेन कंट्री से कोई लेन देन है, फॉरेन कंट्री से, वहाँ पर निश्चित तौर पे आपको मुनाफा मिलने जा रहा है। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो या वहाँ से कुछ आपका संबंध है, वहाँ से पैसे आते हैं जाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 11वें घर के मालिक होकर के सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, आपकी पर्सनालिटी में बैठे हैं। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आमदनी है, आपका गेन है, आपका मुनाफा है, और वो जाकर के आपको आपके अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो सीधी सी बात है ये आपको बहुत अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। इसे हम धन योग भी कह सकते हैं। अच्छा पैसा आपके पास आ रहा है और क्योंकि सूर्य आपके पहले घर में आकर के डेबिलेट हो रहा है, पैसे आने के बावजूद भी आपको अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा,
ये आपकी भी समझ में नहीं आएगा और लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि आप सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा। आपको अपने काबिलियत पे शक नहीं करना है, आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा जो अनुभव है, ये जो मेरी कला है, ये जो मेरा हुनर है, ये मुझे कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाएगा। आप इस वक्त बहुत ज्यादा बातचीत करने में निपुण हो जाओ, अच्छे हो जाओगे आप बहुत, लेकिन ये बातचीत जो होगी ज्यादातर किन से होगी? घर वालों से नहीं करोगे, लेकिन बाहर वालों से बहुत बातें करोगे। और घर वाले बोलेंगे यार हमसे तो बात आप करते ही नहीं हो, लेकिन बाहर आप बात करना शुरू करोगे, अच्छे करोगे। और ये जो आपकी उसके कहते हैं ना, आपका कम्युनिकेशन जो बढ़ रहा है आपका, ये आपको मार्केटिंग में बहुत मुनाफा देगा। आप अगर काउंसलर हो, कंसल्टेंट हो, लोगों को अपनी बातों से अपनी तरफ आकर्षित करना अगर आपका काम है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही बहुत बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए दसवें भाव के मालिक होकर के वो बारहवें भाव में बैठे हैं, दसवां जो घर है आपका, वो घर है आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका कर्मस्थान जो बारहवें घर में बैठा है, जो कि फॉरेन लैंड से संबंध रखता है और वो खर्चों से, एक्सपेंसेस से संबंध रखता है, वो डिवाइन हाउस भी है। इस वक्त आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, कुछ अच्छे और कुछ खट्टा मीठा आपके लिए ये समय रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे अगर मैं देखूं, तो अगर आपका कोई भी संबंध फॉरेन कंट्री से है, तो वहां से आपको बहुत अच्छा मतलब आपके जितने काम हैं वो वहां से बनते नजर आ रहे हैं। हो सकता है अगर आपको बाहर जाना है, मतलब फॉरेन कंट्री जाना है, तो भी पीरियड आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और अगर करियर को लेकर, मतलब अगर आपका काम ऐसा है कि आप अपने प्रोफेशन के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, तो ये पीरियड और भी अच्छा है आपके लिए। अब वहीं पर ये देख लीजिए कि आपके अनावश्यक खर्चे जो हैं उसको संभालो प्लीज, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। वहीं पर आपके पिता या पिता के सम्मान जिसको आप मानते हो, उनका भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, थोड़ा सा सेहत को लेकर के दिक्कत हो सकती है। अभी आपको आपके पापा की तो हेल्थ का ख्याल रखना ही है, वहीं पर आपको अपने कॉन्फिडेंस का भी ख्याल रखना है। और किसी को, खास करके आपके घर में जो पूर्व जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, अगर कभी उन्होंने कुछ आपसे गलत बात कह भी दी थी, तो उसको अपने मन में बिठा के मत रखना। वो अब आप बोलने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, वैसा कुछ मत कीजिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए नवम स्थान के स्वामी होकर के आपके ग्यारहवें स्थान में बैठने जा रहे हैं सूर्यदेव। ग्यारहवें घर में जब बैठे हैं, जो कि तुला राशि है, जहाँ पे वो डेबिलेटेड है, मतलब नीच स्थान के हैं, तो यहाँ से फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। भाग्य के स्वामी आपके लाभ स्थान में आके बैठ गए हैं। अब ऐसी किसी चीज में हाथ मत डालना जहां से आपका नाम खराब हो सके, नाम खराब नहीं होना चाहिए। वहीं पर देखिए ग्यारहवें स्थान से सूर्य सीधे पंचम स्थान को भी देखेंगे, ओके, तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास इनकम आएगी, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए था, तो आपको इस टाइम पे वो एक संतुष्टि रखनी चाहिए कि भाई जितना आ रहा है उतना भी सही। वहीं पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप विद्यार्थी हो, तो क्योंकि सूर्यदेव वहां से पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में हो, किसी के साथ में प्यार करते हो, आप रोमांटिक मतलब उसमें हो, तो यहां पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिखता है मुझे, इसका जरा आपको ध्यान देना होगा आपको। और ये डिस्टर्बेंस क्यों होगा? क्योंकि आप उस व्यक्ति को, अपने प्यार को दबा के रखने की कोशिश करोगे और वहीं पर आपकी दिक्कतें, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अष्टम स्थान के आठवें घर के स्वामी होकर के आपके दसवें घर में बैठ रहे हैं। अष्टम स्थान क्या है?
यहां से कोई ऐसी चीज जिस पर हम निर्भर नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अचानक से लाभ अचानक से नुकसान, एक चीज जो बिना बताए एकदम से उभर के सामने आती है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी और सडननेस, एकदम से यकायक आपके सामने आ जाना। और फिर एक है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अपने आप में एक कायाकल्प होना, बिल्कुल वो है, वो आपके दसवें घर में बैठ रहे हैं, यानी कि करियर वाले हाउस में आके बैठ रहे हैं। यहां पर मैं एक पीरियड को बहुत ही साधारण देख पा रहा हूं और यकायक आपके करियर में प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। इस पीरियड में, इस दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर रहा है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मबल को संभालना होगा, खास करके आपके कार्य क्षेत्र में इसकी बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। यहां पर क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर है, आपको इस पे काम तो करना होगा, और खास करके तभी अगर आपका कोई भी प्रोफेशन अगर ऐसी चीजों से संबंध रखता है जिसमें हम कहते हैं कला है, डिजाइनिंग है, रिसर्च है, ऐसी चीजें हैं, तो आपको गेन मिलेगा, लेकिन गेन कब मिलेगा, जब आप उसको उतने ही कॉन्फिडेंस से करोगे। तो बहुत संभावना है, चांसेस हैं कि आपको यकायक आपके करियर में कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जिसमें जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो देखिएगा कि आपके सामने किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होकर आ रही है। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, दिख रहा है। आपको अपने बॉस से या सीनियर से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, शांत शांति बनाए रखो और अपने आप पे भरोसा रखो, चीजें समझ जाएंगी। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। आपके सातवें घर के मालिक होकर के सूर्य आपके नवम स्थान में बैठेंगे। सातवां घर आपके शादीशुदा का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का होकर के आपके नाइन्थ हाउस में, जो कि घर है आपके भाग्य स्थान कहते हैं इसे हम, जहां से आपका लक है, आपका फॉर्चून है। ये पीरियड आपके लिए मॉडरेटली तो है, लेकिन अच्छा है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अगर ठीक रखोगे तो लक और फॉर्चून आपको साथ दे सकता है। क्योंकि सूर्य 9वें स्थान में नीच के होकर बैठ रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको इतना बता दूं कि भाग्य कभी साथ देगा कभी साथ नहीं देगा, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। आपके नवम स्थान में होने से आपके फादर या फादर की तरह जिसको आप मानते हो, उनके लिए भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा कि वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट जो है, उनका आपको सपोर्ट या आपका उनको सपोर्ट, उस पर थोड़ी सी कमी आने के चांसेस हो सकते हैं। आपको बड़ों की इज्जत करनी है, आपको अपने काम में भरोसा रखना है, और आप जितनी हिम्मत से काम करोगे, जितने करेज से काम करोगे, उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा होने जा रहा है। आपके जीवन साथी यानी कि आपके पति या पत्नी के साथ में भी आपको हो सकता है कि आप इस पीरियड में उनके साथ में ट्रैवल करो और एक दूर की यात्रा कर सकते हो आप। ये एक अच्छा पीरियड है अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत रिसर्च हो रहा है, तो रिसर्च के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी राशि पे, जो कि राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए छठे घर के मालिक आठवें घर में, कुछ समझ में आया, इसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग है ये, विपरीत राजयोग। ये पीरियड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आपके लिए, क्योंकि विपरीत राजयोग, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये विपरीत राजयोग का कि एक समस्या है। समस्या क्या है कि पहले आपको, वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई योग होता है जो पहले उठान फिर पठान, पहले पठान फिर उठान, तो पहले जब शुरू होगा तो ये आपके सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां लेकर आएंगे जिसमें आपको लगेगा हाय हाय हाय, मेरा तो वक्त बहुत ही बुरा चल रहा है, लेकिन यकायक आप देखोगे कि आपको मुनाफा होना शुरू हो गया। पहले पहले आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा
गिरेगा, लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता संभलने भी लगोगे, आप अपनी ताकत को बढ़ाओगे और उसी से आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। एकदम यकायक आप देखोगे कि आपके घर में आप प्रॉपर्टी को लेके, मतलब के जिसको हम बोलते हैं ना इनहेरिटेंस, यानी कि आपके बुजुर्गों की रखी हुई प्रॉपर्टी आपके, उसके बारे में कुछ बात हो सकती है शायद, और उससे भी आपको मुनाफा मैं देख पा रहा हूँ। आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा आपके पापा की हेल्थ का, अगर पापा थोड़े से बीमार है तो थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा और अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात ना बोल दीजिए आठवें घर की का मामला है जिससे चीज़ें खराब हो जाए। तो मित्रों दोस्तों, ये था मेष राशि से मीन राशि तक का सारा विश्लेषण। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।